नमस्ते, हेलो, हाय एंड वेलकम टू डियर टेल कंसल्टेशन सर्विस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और एक करंट फीलिंग की वीडियो। आप जिनके बारे में सोच रहे हो, वो आपके बारे में फिलहाल क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहे उनके दिल और दिमाग में अभी आपके लिए। सो बहुत दिन रीडिंग लेके नहीं आई हूँ, एज यूजुअल मेरा ये प्रॉब्लम है। ऐसा ही सिचुएशन था जिस कारण के लिए लेके नहीं आ पा रही हूँ, मगर आप लोग ऑलवेज मेरा दिल और दिमाग में होते हो। मैं ऑलवेज कमेंट सेक्शन में देखती हूँ कि कमेंट क्या है। जब भी हीलिंग में बैठती हूँ, हीलिंग तो कभी गैप नहीं हो सकते, तो जब भी हीलिंग में बैठती हूँ रेकी मदर से, डिवाइन से, सच्चे दिल से प्रे करती हूँ कि आप लोगों का जो विश है वो फुलफिल हो जाए। एंड आप लोग इसके अंदर भी मुझे बहुत सारा थैंक यू मैसेजेस भेजे हो, उसके लिए आप लोगों को ढेर सारा थैंक यू। सो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ टैरो रीडर, ट्विन फ्लेम कोच, क्रिया कुंडलिनी मास्टर, संजीवनी क्रिया शक्ति हीलर, पीएलआर थेरापिस्ट एंड क्रिस्टल हीलर, रेकी मास्टर, ग्रैंड मास्टर। सो स्टार्ट करने से टाइम में, जैसे मैं ऑलवेज आपका सर्विसेज के बारे में बोल देती हूँ, अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए, अगर आप लोगों को ट्विन फ्लेम हार्मोनियस रियूनियन के लिए प्रॉपरली ट्विन फ्लेम हीलिंग एंड प्रॉपरली ट्विन फ्लेम कोचिंग, इनर वर्क जो कोचिंग होता है वो चाहिए, अगर आपको डिस्टेंस रेकी हीलिंग के जरिए आपका कोई भी रिलेशनशिप, एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंस, कोई भी चीज को सुधारना चाहते हैं, अगर आपको प्योर एनर्जाइज्ड क्रिस्टल चाहिए आपकी जिंदगी की ब्लॉक को क्लियर करने के लिए, और अगर आपको ऐसा है कि आपको संजीवनी क्रिया शक्ति की डायरेक्टली हीलिंग वन डे का सेशन होता है वो भी अगर आपको चाहिए, सो मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप, नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9087282880, ये नंबर पे व्हाट्सएप पे मुझे पिंग कीजिए। साथ ही साथ आ रहा है रेकी इंटीग्रेटेड वर्कशॉप, जिसमें आप प्रॉपरली एक रेकी हीलर बनेंगे, एडवांस हीलर, फर्स्ट डिग्री एंड सेकेंड डिग्री कॉम्बाइंड। ये वर्कशॉप में आपको प्रॉपरली सिखाया जाएगा विद अटेनमेंट सर्टिफिकेशन। इसमें आप सेल्फ हीलिंग तो सीखेंगे ही, जानेंगे रेकी है ही क्या, कैसे बॉडी में एक्टिव किया जाता है, आपके अंदर शरीर में भी है, उसको एक्टिव करना कैसे किया जाता है, यूनिवर्सल ऊर्जा को, हम भी ऊर्जा, यूनिवर्सल ऊर्जा भी ऊर्जा, कैसे एनर्जी एनर्जी को सपोर्ट करता है, कैसे डिस्टेंस है, आप प्रॉपरली हीलिंग देके कोई भी जिनका जरूरत है उनको पूरा कर सकते हो, उनके ब्लॉक को क्रिएट क्लियर कर सकते हो, अगर आप रिलेशनशिप हील कर सकते हो कैसे करेंगे ये सब। साथ ही साथ हम लोग सीखेंगे साउंड, कौन सा साउंड के हिसाब से हीलिंग होता है, हाँ, बहुत सारा वर्ड्स है, कैसे यूज करने से इंसान की मेंटल हीलिंग होता है, ऐसे बहुत सारा नया चीज भी सीखेंगे इसके अंदर, स्विच वर्ड सीखेंगे। तो ये ओवरऑल रेकी का 3 डेज की कोर्स है। अगस्त फर्स्ट वीक में ये कोर्स होगा, लिमिटेड सीट, ऑलवेज सीट बुकिंग चल रहा है, सो बुकिंग गोइंग ऑन। जब भी आप लोगों को अगर इंटरेस्टेड है मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। बार बार बोल रही हूँ रेकी है, सो अनलिमिटेड स्टूडेंट यहाँ पे नहीं रखना है, क्योंकि मुझे अटेनमेंट देना है, प्रॉपरली आपको रेकी हीलर बनाना है, सो लिमिटेड सीट। हु ऑल आर इंटरेस्टेड, कहाँ कनेक्ट करेंगे मुझसे, वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 9087282880 ये नंबर पे मुझे व्हाट्सएप में पिंग कीजिए 9087282880, ठीक है, व्हाट्सएप में पिंग कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का सबसे ज्यादा पसंद का रीडिंग से पहले दो बातें आप लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हो, जी जो चीज आज एक एक्सपीरियंस से बताती हूँ, ऑनेस्टली बता रही हूँ, पहले से कभी प्रिपरेशन करके नहीं बैठती हूँ कि मुझे ये बोलना है, मुझे लगता है कहीं कहीं डिवाइन मुझे जिस तरीका से लेके जाएंगे इस जगह को मैं सच में छोड़ देती हूँ कि जहां पे मुझे लेके जाएंगे वही बात बताऊंगी। तो बात करते करते एक चीज मुझे दिमाग में आया, मुझे लगता है कि अचानक जो आएगा ना वो स्पॉन्टेनियस होता है, अदरवाइज सोच समझ के बोलने वाला स्पॉन्टेनियस नहीं होता। मैं ऑलवेज ट्राई करती हूँ आप लोगों के सामने स्पॉन्टेनियस वीडियो देने के लिए, मैं एडिट भी नहीं करती, इसीलिए सामने का जो पोर्शन है वही एडिट होता है, नहीं तो बैठती हूँ पूरा वीडियो एक साथ होता है। मैं ट्राई करती हूँ कि एनर्जी जैसे एक पर्सनल रीडिंग जैसा हो आप लोगों के लिए, मैं कम आती हूँ मगर पूरा एनर्जी लेके आती हूँ। अभी जो बात है,
अब बहुत लोग आके जो मुझे क्वेश्चन करते हैं कि मैम पूरा टाइम जो भी है फुल डे मैं हैप्पी क्यों नहीं रह पाती हूँ, रह पाता हूँ, कि मैं ऑलवेज हैप्पी रहना चाहती हूँ या ऑलवेज हैप्पी रहना चाहता हूँ। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। बहुत तकलीफ में आया, बहुत तकलीफ में कोई आए, वहां से वो निकल गए, वहां से खुश रहना, खुशी का मतलब क्या है वो समझने लगे, है कभी कभार गम भी आए तो उनको लग रहा है कि गम कभी क्यों आ रहा है, बहुत मन लगा के सुनिए। आप एक कार्मिक बॉडी के अंदर हो, है ना, आप एक कार्मिक बॉडी के अंदर हो, तो प्रॉपरली आप ऑलवेज जानना कि आपकी जिंदगी में दुख और सुख बिल्कुल आएगा, सिर्फ सुख ही रहेगा, पॉसिबल नहीं है और नहीं होना भी नहीं है। मेरा अगर ऐसा चले ना खाली सुख सुख सुख, मैं मुझे लगेगा नहीं दुख भी जरूर है, दुख नहीं होगा लेसन कैसे मिलेगा, दुख नहीं होगा सुख की कीमत कैसे पता चलेगा, दुख नहीं होगा सीखेंगे कैसे, दुख नहीं होगा जानेंगे कैसे कि ये इंसान कैसे है, मेरा कहाँ फोर्ट है, मुझे कैसे आगे जाना है। सो दुख और सुख दोनों ही जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपकी जिंदगी में खाली दुख चल रहा है उसको आप अप्रिशिएट करना सीखिए। देखिए नॉर्मली सुख आएगा, खाली मेरे जिंदगी में तो खाली दुख ही लिखा है, मेरे ही जिंदगी में ऐसा ही आदमी मिलता है जो खराब खराब इंसान नहीं है, आप कहीं ना कहीं ब्लेस्ड हो, आपकी जिंदगी में ऐसा इंसान आ रहा है जो आपको सिखा रहा है, आपकी वो प्रॉब्लम है जो आप सीख नहीं पा रहे हो, खाली दुख दिख रहे हो, ये दुखी है वो दुखी है वो दिख रहा है। कोई भी इंसान दुनिया में हो ही नहीं सकता जो खाली दुख दे रहा है, उसके अंदर में सुख खोजने की कोशिश कीजिए, देखिए जिंदगी बदलेगा। बार बार बोल रही हूँ सिर्फ सुखी होने का कोई मतलब नहीं है, होगा भी नहीं, कोई इंसान के लिए पॉसिबल नहीं, हो ढूंढ के दुख निकाल के लेके आएंगे। देखना मैक्सिमम केस में मैं देखी हूँ जिनका खाने पीने का सोच नहीं है, जिनका रहने पहनने का सोच नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, वो प्यार 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 ये हुआ है वो क्यों मुझे छोड़ के गया है, जो जरूरत नहीं है वो उसमें जाते हैं। जब सच में दिमाग में टेंशन आता है उस टाइम में सच में कभी किसी के लिए इतना पागल पर नहीं आता। अच्छा नोटिस करना, आपका गॉल ब्लडर का स्टोन हुआ है, आपका एपेंडिसाइटिस का पेन, अरे बाप रे पेन में आप पागल हो रहे हो उस टाइम में, कितना आपका ट्वीन और आपका सोलमेट और ये सब आएगा दिमाग में, कोई नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग मनगढ़ंत सिचुएशन क्रिएट करते हैं। चीज को ऑलवेज एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, और दुख ठीक है दुख तो आएगा ही, एक्सेप्ट करना, हाथ काट गया ठीक है, दर्द है दर्द है। मेरा कुछ दिन पहले शायद बोली थी मैं बाथरूम में गिर के मेरा स्पाइनल कॉर्ड का एकदम टेल बोन कॉक्स जो है वो टूट गया था। मैं उसके बाद वो लेके नीचे गई, ऊपर से नीचे गई, एंड आफ्टर दैट मेरी मम्मी को लेके मैं अपोलो हॉस्पिटल में, चेन्नई में तो रहते, चेन्नई अपोलो में गई, पूरा ट्रीटमेंट कराया, उसके बाद टूट गया था। सब बोल रहा था नहीं टूट ही नहीं सकते, मेरा बेटा मेरा हस्बैंड वो टूट ही नहीं सकते, चोट लगा है, चोट लगा है, नहीं तो तुम चल ही नहीं पाते, चल ही नहीं पाते। शाम को डॉक्टर, मैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास भी गई तो वो लोग प्रेशर दिया ना जाओ जाओ जाओ, मैं गई, एक्सरे हुआ, देखा टूट गया मेरा कॉक्सिस जो है टूट गया। ये 10th January की बात है। मैं उस दिन खुद को अप्रिशिएट की थी, मेरा जो दर्द हुआ था मुझे मालूम था, मगर मैं अप्रिशिएट की थी, मैं इतना इमोशनल बॉडी को कंट्रोल करना जानती हूँ, मैं सच में अप्रिशिएट की थी कि मेरे अंदर ये कैपेसिटी ग्रो कर गया कि मैं इतना इमोशनल बॉडी को कंट्रोल करना। कभी भी दर्द होगा ना, फिजिकल बॉडी एंड इमोशनल बॉडी दोनों काम करते हैं। देखना दो बच्चे, एक को अच्छा से स्केल में पीट रहे हो आप और वो क्या करेगा, वो इतना एक्शन नहीं ले रहा है, और दूसरा बच्चा वही पिटने में रोना धोना ये वो, क्योंकि उनका इमोशनल बॉडी से वो ज्यादा चीज को हैंडल करते हैं। तो आप भी, मैं नहीं बोल रही हूँ इमोशनल बॉडी को छोड़ दो, मगर प्रैक्टिकल होके जीना सीखो। इमोशनल बॉडी जो है आपका जो सोच है जो पेन है उसको स्क्वीज करना सीखिए, देखिए जिंदगी बहुत अच्छा हो जाएगा, दुख देने की लोग ही नहीं आएगा पास में, समझ में है? तो चलते हैं आज की रीडिंग की तरफ। बहुत सारा बड़ा हो गया, दो बातें बहुत सारा बातें हो गया, कितना टाइम हो गया मेरा, ऑलमोस्ट 9 minutes मोर देन 10 minutes हो गया। अच्छा चलिए, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके कारण फीलिंग क्या है आपके लिए, अभी सिर्फ फुल मून की टाइम है, फुल मून आज रात से लग रहा है। मुझे मालूम है कि क्या आप लोगों के अंदर भी अप्स एंड डाउन्स अप्स एंड डाउन्स अप्स एंड डाउन्स चलेगा, बहुत सारा क्वेश्चन दर्द
ये सब चलेगा। नॉर्मली मैं फुल मून के दिन रीडिंग देना पसंद नहीं करती हूँ, फिर भी मैं पहले वाला दिन देना पसंद करती हूँ, नेक्स्ट डे देना पसंद करती हूँ, फिर भी मैं ट्राई करूंगी कल की रीडिंग लेके आने के लिए। तो देखते हैं आपकी पर्सन के कारण फीलिंग, अभी की एनर्जी, आज की रात क्या है, चलेगा क्या, कैसे चलेंगे, ओवरऑल क्या है दिल और दिमाग में। चलिए पहले देखते हैं इनर ज्योरेबल से क्या सिचुएशन है, फिर हम लोग क्लैरिफाई करेंगे टैरो कार्ड्स, ठीक है, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त। प्लीज डिवाइन हेल्प करें मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन की जिनके बारे में आप लोग सोच रहे हैं, थोड़ा सा आंख बंद करके उनके बारे में सोचिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए अभी इसी वक्त, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। वन टू चलिए, हाँ फर्स्ट है कर्णकोपिया, फर्स्ट कार्ड आया है कर्णकोपिया, सेकेंड विक्ट्री, थर्ड केयरिंग कनेक्शन, फोर्थ फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल, अच्छा After that, door to value, rest and rejuvenation, and door to personalized healing and happiness. आपके लिए, आपके लिए मुझे बहुत अच्छा एनर्जी दिख रहा है। अगर आप लोगों में ऐसा है कि नो कॉन्टेक्ट में आप लोग हैं, तो इनके मन में हिम्मत जुट रहा है, इनके मन में काफी ज्यादा हिम्मत मुझे दिख रहा है, जो ये काफी ज्यादा हिम्मत से चीज को लेने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि ये इमोशनली एंड सेक्सुअली आपकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है, क्योंकि नेचुरली ये जो फुल मून की टाइम की आगे पीछे जो होता है ना, ये टाइम इंसान वाटर एनर्जी ना, तो नेचुरली इस टाइम में इमोशनल बहुत ज्यादा ओवरफ्लो होना, बहुत ज्यादा सेक्सुअली ओवरफ्लोड होना, ये सब नॉर्मल है। तो ये चीज ये बहुत ज्यादा फील कर रहा है आपको, मतलब होता है ना दिल से मन से तन से एक बहुत ज्यादा फीलिंग आ रहा है आपके लिए, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है आपके बारे में सोचे तो ये एक्साइटेड फील कर रहा है। ये एक्शन, ये जो रिलेशनशिप है, इनको लग रहा है नहीं, बहुत केयर से हैंडल करना पड़ेगा, हैंडल विथ केयर, बहुत सारा मैं सीरियस नहीं हुई थी या नहीं हुआ था, मैं आपको इतना सीरियसली नहीं लिया था, मगर फिर भी या ऐसा एक जगह है जहां पे इनको लग रहा है नहीं, जो भी सिचुएशन है दुख में सुख में ऑलवेज आप साथ में थे, साथ में हो या इनकी सोच में हो, तो इनको लग रहा है बहुत सारा केयर करके, ये हिम्मत भी इनके लिए आ रहा है, मैं बोलूंगी एंजेलिक गाइडेंस या कोई ब्लेसिंग ऑफ गॉड ऐसा वाला एनर्जी क्रिएट हुआ है। हाँ, ये फुल मून जो आने वाला है इसकी एनर्जी से, जिसमें इनके काफी ज्यादा एक स्ट्रेंथ आ रहा है, काफी ज्यादा एक स्ट्रेंथ फील हो रहा है, एंड सेक्सुअली अट्रैक्टेड होना आपके लिए, बहुत सारा चीज सोचना, ऐसा भी हो सकता है या आपके लिए कोई ड्रेस देखे या कुछ आपको गिफ्ट देना चाहे, तो बहुत क्रिएटिव वे में आपको देना चाहते हैं, बहुत सारा सजा ढाजा के देना इनको लग रहा है, ये फीलिंग आ रहा है कि बहुत सारा सजा ढजा के कुछ बोलना है, तो वो भी बहुत सारा वाणी, बहुत अच्छा वाणी से बोलना ये चाहते हैं, इनके मन में चल रहा है, और इनको लग रहा है कि कुछ तो पैम्परिंग आप भी एक्सपेक्ट करते हो, कुछ तो प्यार का, प्यार तो है ही मगर इजहार करना, इनको बार बार फील हो रहा है कि इजहार करना जरूरी है, नहीं तो शायद आप भी इनसे दूर जा सकते हो, कहीं ना कहीं आप भी इनसे दूर जा रहे हो, शायद आपसे उनको समझ में आता है आप उनको बहुत प्यार करते हो, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनसिक्योर सिचुएशन भी क्रिएट हो रहा है। हो सकता है कि आपने ना कहीं से जो पागलपन दिखाते थे उससे थोड़ा सा एनर्जेटिकल कार्ड किए हैं, जिस जगह में मुझे काफी ज्यादा इनसिक्योरिटी, मुझे काफी ज्यादा इनसिक्योरिटी फीलिंग हो रहा है, ठीक है। इनकी बहुत लोगों का, आप लोगों के अंदर ऐसा है, आप लोगों की पर्सन का हीलिंग चल रहा है, या ये लोग खुद करा रहा है या आप करा रहे हो, बहुत लोगों का है,
जो आप हीलिंग चल रहा है या नियर फ्यूचर में होने वाला है या नियर पास्ट में हुआ था, ये वाला भी बहुत लोगों का एनर्जी है। इनको हीलिंग, एक्चुअली हीलिंग बहुत ये प्रॉपरली होता है ना, चंद्रमा की लाइट में भी सिचुएशन में भी हील्ड होना चाह रहा है। बहुत ज्यादा इनके अंदर हील्ड होने वाला एनर्जी है। और जो भी इनकी मन में खोट है, तकलीफ है, कहीं ना कहीं से वो आपसे वो भूख मिटाना चाहते हैं, वो तकलीफ मिटाना चाहते हैं। आप ही वो जहाँ पे वो बहुत ज्यादा बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, हैं आप इनकी, मतलब ऐसा होता है ना, आप आए तो दिल गार्डन गार्डन हो गया, ये वाला एनर्जी आपकी पर्सन का बहुत ज्यादा दिख रहा है। वो वैल्यू करना, मैं बार बार बोल रही हूँ, हो सकता है आप ये महान कर्म कर दिए कि थोड़ा सा डिटैचमेंट दिखे दिए कभी ना कभी, अगर नहीं दिखा रहे हो तो दिखाओ, तभी इनके अंदर वो वैल्यू का, जो आपके लिए वैल्यू फील करना ना, कि नहीं ये हद से जा रहा है, जा सकते हैं, इनसिक्योर फील करना, क्योंकि इनका हो रहा है, इनके मन में, दिल में, इसमें दिमाग में काफी ज्यादा फील हो रहा है, ठीक है ना। सो ये बात है एक्चुअली, सो दैट इज द थिंग। ओवरऑल एनर्जी ये दिख रहा है, अभी देखती हूँ, मैंने उनका जो भी ब्लॉक एनर्जी था यहाँ से वो तोड़ के बाहर निकालने वाला एनर्जी दिख रहा है, ये तोड़ के बाहर निकालने वाला एनर्जी मुझे काफी दिख रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं टैरो। टैरो, अच्छा टाइमिंग का थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली जो 8, 9, 4 and 1, 8, 9, 4 ये जो नंबर है बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। ये नंबर हो सकता है कि एक घंटे में, एक मिनट में, 8, 9, 4 जो भी ना बोल रहे हो, 1, 4, 8, 9 ये जो डे में हो सकता है, डेट में हो सकता है, अब दोनों में बहुत सारा मतलब मीठा एहसास होगा, आप दोनों अच्छा से बात करेंगे। ये मिनट हो सकता है, घंटा हो सकता है, डे हो सकता है, डेट हो सकता है, जिस क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, पर्सनल रीडिंग होने से आप बोल देते हैं ये है, मगर ये तो है एक मैंने जनरल रीडिंग ना, सो ओवरऑल आपके सिचुएशन से आप समझ सकते हो। मगर हाँ, इनके अंदर हिम्मत आने वाला कैपेसिटी मुझे काफी दिख रहा है, सो आप बोल सकते हो काफी चेंज वाला एनर्जी मुझे दिख रहा है। वन का भी स्ट्रॉन्ग, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वन का एनर्जी दिख रहा है। 1, 4, 8, 9 स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। 5 and 7 भी है, 5, 7 भी है, बट 1, 4, 9, 7, 9, 8, 8, 9 वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, कुछ पॉजिटिव चेंज आपकी जिंदगी में आएगा। चलिए देखते हैं टैरो कार्ड क्या बोल रहा है, टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं क्या चल रहा है आपकी पर्सन के दिल और दिमाग में। एक्शन के बारे में तो ये सोच रहे हैं, लेंगे भी, फिर भी टैरो कार्ड में भी एक बार देख लेते हैं पर क्या है करंट फीलिंग विथ नेक्स्ट एक्शन। चलिए देखते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग एंड नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपके लिए नियर एनर्जी में। 8 of cups अभी क्या चल रहा है, चैरियट, लवर्स, क्वीन ऑफ वांड्स, आपके लिए क्या एनर्जी है, जेविल, एस ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट एक्शन में 7 of swords एस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं एक थर्ड पार्टी के लिए कार्ड निकाली, एक कार्ड थर्ड पार्टी के लिए निकाली, 8 of swords है, यहाँ पे कुछ होपफुलनेस है ही नहीं, थर्ड पार्टी एकदम ही खराब हालत है, तो इसको लेके हम बात ही नहीं करेंगे। ये मैंने एक थर्ड पार्टी के लिए कार्ड निकाली, बाधा है, सोसाइटी की बाधन है, या ऐसा सिचुएशन है कुछ नहीं कर पा रहा है, मगर ऐसा एकदम ही नहीं, इनको लेके अभी आज रीडिंग ही दरकार नहीं है, ऐसा है। चलिए देखते हैं, होपलेस फील कर रहे हैं आपको पास में नहीं मिल रहा है ना, वो बहुत ज्यादा आज रात को आपको चाहते हैं, एक्चुअली वो चाहते हैं आप पास में आए, ये वाला एनर्जी काफी ज्यादा है, तो ये जगह में थोड़ा सा होपलेसनेस फील हो रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, तकलीफ है, और कितना दिन और कितना रात अकेले रहूं, ये वाला एनर्जी एक यार ऐसा वाला एनर्जी है। एक्सट्रीमली फिजिकल अट्रैक्शन फील हो रहा है, आगे जिंदगी को आगे बढ़ाना, काफी सोशल मीडिया में स्टॉक करने वाला एनर्जी, 7 of swords काफी ज्यादा सोशल मीडिया में स्टॉक भी कर रहे हैं, आपके साथ नया
जिंदगी चलाना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है, नहीं हो रहा है तो दर्द हो रहा है, इनको काफी ज्यादा दर्द फील हो रहा है। आपके साथ नेक्स्ट एक्शन में मैं देख रही हूँ एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, डिवाइन की तरफ से, वहां पे भी हम लोग देखा था कि एंजेलिक गाइडेंस मिल रहा है, तो यहाँ पे भी एंजेलिक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है जिसमें वो कहीं ना कहीं से आपकी तरफ आना, आपको कमिटमेंट देना एक्चुअली चाह रहा है, बहुत सोच समझ के आगे आना चाहते हैं। आपकी तरफ लवर्स कार्ड आया है, बहुत लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल रिलेशनशिप में है, बार बार बोल रही वो आपको ये एनर्जी में, अगर करंट फीलिंग की क्वेश्चन आए, दिल से, दिमाग से, शरीर से, आत्मा के रूप से, हर जगह से आपको चाहते हैं, वो आप चाह रहे हैं हर जगह से, आप काफी ज्यादा इंट्यूटिवली आप कनेक्टेड फील कर रहे हो उनसे, काफी ज्यादा अट्रैक्शन आपके लिए फील हो रहा है, एक गजब सा एक मैजिकल एनर्जी आपके लिए, बहुत अच्छा एनर्जी लेके आया है स्ट्रॉबेरी फुल मून जो आने वाला है, सोचिए एक गजब सा एनर्जी, ठीक है। सो बहुत अच्छा एनर्जी मुझे दिख रहा है, ऑलरेडी बहुत अच्छा एनर्जी दिख रहा है आपके लिए, ठीक है। सो आपका भी एनर्जी अच्छा कीजिए, बिल्कुल बताऊंगी आपका खुद का एनर्जी। अच्छा, आपके लिए मैं तीन गाइडेंस कार्ड निकालती हूँ, क्योंकि इतना अच्छा एनर्जी को आप खाली नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर करके बिगड़ दोगे, नहीं वो हो ही नहीं सकता, वो तो ये होता है वो होता करके बिगड़ दोगे। देखते हैं कि आपके लिए क्या है तीन कार्ड आपके यूनिवर्स की तरफ से, ये जो अच्छा एनर्जी है आप बिगड़ो मत, इसके लिए यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या करने के लिए सलाह दिया जाता है, चलिए देखते हैं। एक, दो, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सेल्फ लव में रहिए, अपना कैरियर लेके सोचिए, सेल्फ लव में रहिए। किंग ऑफ कप्स, सोचिए मत, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, नो डाउट, ठीक है, इसको लेके कंफ्यूजन मत कीजिए। नाइन ऑफ कप्स, थोड़ा खुद हड़बड़ी करके, नहीं मुझे ही बोलना है, मुझे ही करना, वेट करो, ऐसा दिल का हालत है आपके पर्सन के दौर के आने वाले हैं, ठीक है। सो ये है आपके पर्सन का, ये आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए अभी इसका कार्ड। चलिए देखते हैं बाबा की संदेश, साईं बाबा क्या बोलना चाहते हैं आपको, चलिए देखते हैं साईं बाबा की संदेश क्या है आपके लिए, क्या बोलना चाहते हैं साईं बाबा आपको। अनाशक्ति, अनाशक्ति का अर्थ ये कदापि नहीं कि आप लोगों से जो यह परिस्थिति से भागे, केवल इसका ध्यान रहे कि आपको नियंत्रण न कर पाए, ऐसा है कि अनाशक्ति है। इसकी मतलब नहीं है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भागना है, ऐसा नहीं है। वो चीज से आपको भागना नहीं है, आप देखना कि वो जो सिचुएशन है, वो दुख हो सुख हो, वो आपको नियंत्रण नहीं कर पाए, कि आपको वो कंट्रोल कर रहे हैं। आपकी माइंड पावर इतना होना चाहिए जो भी सिचुएशन है उसको आप कंट्रोल कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, डिप्रेशन, पहले अपने आप को पूछिए कि मेरा सच्चाई से भागने के लिए है या सचमुच का है, वो चीज को देखिए। अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं सिचुएशन में तो आप बहुत अच्छे स्टेट में हैं। अगर आपको लग रहा है अनाशक्ति फॉर मैम आई एम एस्केपिंग आई एम रनिंग अवे फ्रॉम द सिचुएशन, तो वो बिल्कुल सही नहीं है, उसके ऊपर काम कीजिए, है ना, हिम्मत रखिए, एनएलपी कीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा डर के अगेंस्ट में। जीवन विधि, हर रिश्ते का एक जीवन विधि होते हैं, समय के साथ वो समाप्त होते हैं। जो भी अभी सिचुएशन चल रहा है, जो भी बहुत ज्यादा अगर आप लोग हार्डल्स में हो, अगर बहुत अच्छा नहीं है, डरिए मत, जो सिचुएशन अभी चल रहा है, जो रिश्ता चल रहा है, ये सही हो जाएगा, कार्ड भी ऐसा ही बोल रहा है। सो खुश रहिए, बहुत 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 खुश रहिए। फुल मून आज रात से है, स्ट्रॉबेरी फुल मून, मैं आने वाला एनर्जी भी आराम से बोल, मतलब बहुत अच्छा एनर्जी है, दिल खोल के फिर से बोल रही हूँ, दिल खोल के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं हीलिंग में आज तो स्पेशल हीलिंग, आज कल परसों स्पेशल हीलिंग, जो भी मैं बैठूंगी, अगर आपको हीलिंग कराने हैं बिल्कुल वेलकम, एक दो दिन का भी हीलिंग होता है, बिल्कुल शॉर्ट हीलिंग भी करा सकते हैं, और अदरवाइज जब भी आप लोगों का जो भी प्रेयर है मुझे बताइए, जो भी मन्नत है, जो भी आपका विश है बताइए, मैं कमेंट सेक्शन में दिल खोल के कमेंट कीजिए, मैं जब भी हीलिंग में बैठूंगी आप लोगों के लिए स्पेशल प्रेयर करूंगी स्पेशल एनर्जी में, ठीक है। आप लोग बस आपको विश फुलफिल हो जाए, गरीबों को कुछ देना या पशु पंछियों को कुछ खाना खिलाना बिल्कुल कीजिए, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड कीजिए इन द सेंस अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, अगर न्यू वीडियो का जो अपडेट होगा वो बिल्कुल आपके पास आएंगे। रेकी वर्कशॉप भी आ रहा है
जो भी इंटरेस्टेड है आ सकता है. शॉर्ट्स बहुत सारा भी न्यू टॉपिक के ऊपर शॉर्ट्स दे रही हूँ, उसको फॉलो कीजिए. तब तक के लिए थैंक यू.